अब हार मान भी लो मोगली, तुम डार्जी को नहीं पकड़ पाओगे। हार मान लो? कभी नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम बस देखती जाओ डार्जी। सपने देखना छोड़ दो। ओ मोगली, तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो टबाकी? और तुम हंस क्यों रहे थे? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मजे ले रहा था ये देख के कि तुम इस छोटी सी चिड़िया को नहीं पकड़ पा रहे थे। हाँ, पर ये कितनी फुर्तीली है। तुम सुस्त हो, अब मुकरो मत। मुझे तो लगता है इस जंगल में तुम सबसे सुस्त जीव हो। मैं सबसे सुस्त? हाँ तुम। एक छोटी सी चिड़िया भी तुमसे बहुत तेज है, देखो तो कैसे भाग कर निकल गई। इसकी बात मत सुनो, ये सिर्फ तुम्हें भड़का रहा है। सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है, पर अगर हम दोनों का मुकाबला होगा तो मैं ये दावे से कहता हूँ मैं आसानी से जीत जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, हो जाए मुकाबला। ये बात तुम दिल से कह रहे हो? दौड़ने के साथ साथ कूदने का भी मुकाबला। मोगली सावधानी से, ये इसकी चाल हो सकती है। ठीक है, बोलो जीतने पर तुम्हें क्या चाहिए? एक बड़ी रसीली हड्डी दे देना बस। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन बेहतर है। बलू, तुम रेस शुरू करवाओ ना। जी नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं करूँगा। डार्जी, तुम चाहो तो कर सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। जो भी पहले नदी के पास पहुँचेगा वो जीतेगा। तैयार? तैयार। रेडी सेट गो। बड़ी जल्दी में हो, क्या लगता है टबाकी के साथ कोई भी रेस इतनी आसानी से जीत जाओगे? हाँ, एक बात कहूँ मोगली, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था, असली रेस अब दौड़ूंगा। और विजेता है टबाकी। अगर तुम्हें अभी हार मान ली है तो मान लो, और मैं ये मुकाबला अभी खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, कभी नहीं, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। भी एक और मुकाबला बाकी है, वो तो पूरा कर लो। एक और? अरे हाँ, कूदने का मुकाबला। वो टूटा पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपर से कूदना है, वो भी बिना छुए। तुम चाहो तो मैं पहले कूदता हूँ ताकि तुम्हें तैयारी का टाइम मिल जाए। मोगली रेडी जाओ। अच्छी कूद लगाई पर तुमने पेड़ को छू लिया। तुम्हारी बारी। वैसे ये बहुत ही आसान है, पर देखते हैं तुम कर पाओगे या नहीं। और अगर मैंने ये बिना छुए पार कर लिया तो फिर विजेता का फैसला कैसे होगा टबाकी? इसका फैसला तीसरे मुकाबले में होगा। हाँ ठीक है, तैयार मोगली चलो जाओ। तुमने मुझे इस गड्ढे के बारे में बताया क्यों नहीं? फिर तो तुम इसके पार कूदते ही नहीं ना मोगली। हाँ? क्या मतलब, ये तुम्हारी चाल का हिस्सा था? जी हाँ इंसानी बच्चे। तो अब तुम्हारा दिमाग चलने लगा? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें खाना बनाकर शेर खान को देना, ताकि बदले में मुझे एक बड़ा इनाम मिल सके। और क्या, मैंने उसे कहा है आराम करने के बाद शाम को यहीं पर आना, तब तक तुम यहाँ नीचे आराम करो मोगली। कितना बेवकूफ हूँ मैं, बलू ने सही कहा था, इस टपाकी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मोगली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो डार्जी, टबाकी ने मुझे इस गड्ढे में फंसा दिया है। तुम्हें ये बात बलू को बतानी होगी ताकि वो मुझे बचाने आ सके। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। ओह, मोगली को अब तक आ जाना चाहिए था, कहीं वो ज्यादा दूर तो नहीं गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो बलू, तुम्हारी मदद चाहिए। कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं? ओ हाँ, वो तो है, उस टबाकी ने चीटिंग की और उनका मुकाबला पूरा हो गया। और फिर? अरे हाँ, उन्होंने तीसरा मुकाबला भी नहीं किया। और मैं बाकी की बात भूल गई।
ये डार्जी भी ना। मेरे लिए रुको बलू, मुझे जल्दी ही वो बात याद आ जाएगी। यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अरे वाह, शायद ऐसा कंधे से काम बन जाए। मोगली, रुक जाओ। भूल गए क्या मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ इंसानी बच्चे? तैरने का मुकाबला हो जाए। जकाला! मोगली, कहाँ हो तुम? जवाब दो मोगली! बलू, ये टूटा हुआ पेड़, मोगली उस तरफ क्या है? याद आ गया मुझे। ठीक है तो चलो। डार्जी, ये गड्ढा भी भूल गई थी क्या? हाँ, ये गड्ढा, मुझे लगा था मैं कुछ भूल गई हूँ। जल्द से जल्द मोगली को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है। क्यों जकाला, मुझे पकड़ सकते हो क्या? भागो वहां से तबाकी! तो टबाकी, तुम अभी भी मुझे सबसे सुस्त और जंगल का सबसे आलसी जीव मानते हो? नहीं तो। जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दिया? ना, नहीं। भले ही तुम तेज भाग सकते हो पर तुम एक अच्छे तैराक नहीं हो। हाँ बाबा, नहीं हूँ। तो तीसरे मुकाबले का क्या किया जाए? किसी और दिन करें। ठीक है, जब तुम चाहो। और अब जंगल के बाकी जीवों से कहना कि इंसानी बच्चा कितना चुस्त और समझदार है। मोगली, जल्दी चलो, बलू की मदद करो, वो गड्ढे में गिर गया है। गड्ढे में? पर कहाँ? अरे हाँ, कौन सा गड्ढा था? कहीं वही गड्ढा तो नहीं है? अरे हाँ, जिसमें तुम गिरे थे। कोई है ऊपर? मुझे हलचल सुनाई दी। हेलो, मैं यहाँ नीचे हूँ। आराम करने की अच्छी जगह ढूंढ ली बलू, कहीं तुम यहाँ शहर ढूंढने तो नहीं है? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है मोगली। ओप, अब मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। ये तुम क्या कर रहे हो मोगली? दिमाग का इस्तेमाल। डार्जी, मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगी? वैसे जीतूंगी तो मैं ही, पर तुम कहते हो तो। देखा, मैं जीत गया। बहुत अच्छे मोगली, ये हुई ना दिमाग वाली बात। मोगली के दिमाग का जलवा। छोड़ो मुझे, जाने दो, ये तो सरासर चीटिंग है। उस धोखेबाज कीदड़ को यही मिलना था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
यहीं आसपास है। इंसानी बच्चा उधर गया है और आज मैं उसे जिंदा चबा जाऊंगा। टबाकी कुछ दिखा क्या मोगली? अरे नहीं यार, शिकार के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा बाला। पर हमारा हो सकता है, भागो! अगर इस साल भैंस नहीं आए तो क्या होगा अकेला? हमारे पास बहुत कम खाना बचा है। वो तो जरूर आएंगे लाली, और जब तक हमारा खाना इस खुफिया जगह पर है हमारी भूख मिटती रहेगी। पर याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से खाना लेने की जुर्रत मत करना। बहुत तौड़ा लिया, पर ठीक है, अब तुम दोनों को खाने में बहुत मजा आएगा। बच्चों हमला करो, इन बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शेरखान। यहाँ से दफा हो जा गीदड़ कहीं के, तेरी इस गुस्ताखी की सजा तुझे मिलेगी। सबसे पहले तुझसे निपटूंगा गीदड़। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? तबाकी, तुम जब तक चाहो हमारे इलाके में पनाह ले सकते हो। तुमने जिस बहादुरी से मोगली और बाला को बचाया ये उसका इनाम समझ सकते हो। तुम तो बहुत बहादुर हो तबाकी, बिल्कुल एक हीरो की तरह, है ना मोगली? मोगली जरूर कुछ गड़बड़ है, तबाकी जैसा मक्कार और झूठे ने ऐसा किया, हमें उस पर नजर रखनी होगी बाला। बहुत अच्छे, तुमने मेरा हमला अच्छा रोका, अब चलो मुझ पर दोबारा हमला करो। अरे नहीं नहीं, मैं भागता हूँ, तुम पकड़ो, मैं उसमें माहिर हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत। तुम्हें अपनी रक्षा करना सीखना होगा, सोचो शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा है। उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही बाला, चलो और पास चलते हैं। तुम भेड़ियों की बात ही निराली है, तुम्हारा झुंड मुसीबत के दौर में भी जिंदा रहता है। आजकल ही देख लो, सभी भैंसे चले गए हैं तब भी सब जिंदा हो, ये तो मानना पड़ेगा। अरे इसका राज ये है कि हम खाना जमा करके रखते हैं। अब कुछ सुनाई दे रहा है बाला? अरे तुम दोनों झाड़ियों में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बेरीज लेने आए थे। झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे, तुम दोनों जासूसी कर रहे थे, वो भी मेरी। अरे इसने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो इसका एहसान मानना चाहिए मोगली। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? कुछ नहीं, वो बस मोगली को मुझ पर अभी भी शक है। खैर उसकी भी गलती नहीं है, मेरा मतलब मुझे अपनी ईमानदारी को और साबित करना होगा, है ना? तो मैं ये सोच रहा था क्यों ना आज शाम की पहरेदारी की शुरुआत मैं ही कर लूं। ये बात तुमने अच्छी कही तबाकी, तो चलो कर लो। कौन है वहाँ? मेरा मतलब रुको, दोस्त हो या दुश्मन? हाँ? नहीं 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 नहीं, दुश्मन हो तो भाग जाओ। कोई सुराग मिला क्या अब तक? ये आवाज कैसी थी? कहीं वो मोगली तो नहीं था? पहले ही उसे मुझ पर शक है, कहीं उसे सबूत ना मिल जाए। इसलिए भागना शुरू कर गीदड़। मैंने उन्हें एक साथ देखा, तबाकी और शेरखान दोनों कोई नई चाल चल रहे हैं। इतने पक्के से कैसे कह सकते हो? बचाओ,
शेर खान आ रहा है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो पहरेदारी कर रहा था, तभी एक आवाज आई और जब मैं उसे देखने गया तो वहाँ वहाँ। अब मत घबराओ टबाकी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने उसे भगाने की कोशिश की पर मैं नन्ही सी जान क्या कर पाता। ये बातें बना रहा है मोगली, आज दूसरी बार टबाकी ने हमें शेर खान से बचाया। तुमने बहुत मेहनत की है, अब आराम करो, बाकी पहरेदारी मैं कर लेता हूँ। मेरी बात का यकीन करो बाला, टबाकी और शेर खान जरूर कोई चाल चल रहे हैं। पर क्या? मेरे साथ आओ। टबाकी कहाँ चले गए हो तुम? टबाकी 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही लाली, वो मैं खाने की तलाश में यहाँ आया था, बहुत भूखा हूँ ना। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, शायद हफ्तों से। ओ बेचारे टबाकी, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें खाने की जगह ले चलती हूँ, पर मुझे इसके लिए अकेला से पूछना पड़ेगा, मैं अभी आती हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है, जब तक तुम वापस आओगी मैं भूख से मर ना जाऊं। अरे नहीं, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। ओह शुक्रिया प्यारी लाली, तुम कितनी भोली हो, मेरा मतलब अच्छी हो। हम अभी तक पहुँचे नहीं क्या? बस पहुँच ही गए। रुको टबाकी, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। लाली इसने तुमसे झूठ कहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, इनकी बातें मत सुनो, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा, वो भी तुमसे नहीं लाली। यकीन मानो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो बस खाना चाहिए। यही तो बात है, तुम शेर खान के साथ मिलकर हमारे खाना छुपाने की जगह ढूंढना चाहते हो, है ना? क्या ये सच है टबाकी? चले जाओ, टबाकी को कुछ मत करना। वैसे शेर खान मुझे कुछ करता भी नहीं है। लाली की सलामती चाहते हो तो अपनी जगह से हिलना मत बरखुरदार, अब तुम्हें अपना काम पता है कि बताओ? लाली का बाल भी बाका नहीं होना चाहिए शेर खान, वरना वरना क्या, इंसानी बच्चे। खाली है, इनके यहाँ तो एक हड्डी भी नहीं है शेर खान। ये मैंने किया क्योंकि मुझे तुम्हारे इरादे पता थे शेर खान, क्योंकि हम भेड़ियों से तुम सिर्फ एक ही चीज चाहते हो और वो है हमारा खाना। जल्दी बताओ कहाँ छुपाया है। भागो मोगली, भागो, भागो। तुम्हारी कहानी खत्म मोगली। मुझे तो ऐसा नहीं लगता शेर खान, मेरे साथ ही आ रहे हैं, जरा पीछे तो देखो। बकरा कब तक खैर मनाएगा? क्या हुआ, खाना मिला क्या? तो मिल मुझे। क्या
क्या बात है, बहुत खूब मोगली और बाला, तुमने अपनी लाली की जान तो बचाई ही, साथ ही हमारा खाना भी बचाया। मैं कितनी बुद्धू हूँ। अरे नहीं, तुम एक बहुत नेक दिल लड़की हो जो सबका भला चाहती है। और नहीं तो क्या, ये सब टबाकी की चाल थी। अब जरा ये भी बता दो कि तुम दोनों ने खाना कहाँ छुपाया है। मेरे पीछे आओ। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है।